और त्वरित में राज्यों की खबरों की शुरुआत बाबा बर्फानी के दर्शन से। जम्मू कश्मीर में बर्फ से बने शिवलिंग बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई है। परसों से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। अमरनाथ गुफा में इस साल पूरे आकार में प्रकट हुए हैं बाबा बर्फानी। एबीपी न्यूज से करिए आप भी करिए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा परसों से शुरू होकर अगस्त में पड़ने वाले रक्षाबंधन त्योहार तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का भी अलर्ट है, जिसको लेकर खुफिया एजेंसी और सरकार बेहद सतर्क है। कल रक्षा मंत्री श्री निर्मला सीतारमन और सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। बालटाल में बेस कैंप में रक्षा मंत्री ने अधिकारियों की उत्तराखंड के चमोली जिले में 15,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ले रहे हैं आईटीबीपी के जवान। आईटीबीपी के जवानों का यह ट्रेनिंग शिविर सुबह 6 बजे से दोपहर तक इस ऊंचाई वाली जगह पर ग्लेशियरों और ट्रेनियों ट्रेनिंग ले रहे हैं और उस पर दोपहर में पर्वतारोहण का अभ्यास भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने दिखाए रिवर राफ्टिंग में करतब। सिंधु और जांस्कार नदी के दुर्गम इलाकों में राफ्टिंग कर जवानों ने शौर्य का प्रदर्शन किया। आईटीबीपी के जवानों का 11 दिन चला रिवर राफ्टिंग कैंप कल पूरा हो गया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलुज की लहरों में फंसे 3 युवकों को 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। सतलुज नदी में एकाएक पानी बढ़ने से नदी किनारे घूम रहे 3 युवक पानी के बीचों बीच फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ दिखाई। गंदगी में पानी नदी में पानी का बहाव कम करने के लिए एनटीपीसी परियोजना से पानी का छोड़ना रुकवाया गया। जब नदी में पानी का बहाव कम हुआ तब युवकों को बचाया जा सका। हरियाणा के करनाल जिले के घरौंडा बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर कल जमकर घमासान हुआ। स्थानीय वाहन चालकों ने टोल सिक्योरिटी कर्मचारियों को जमकर पीटा और तोड़फोड़ की। स्थानीय वाहन मालिकों का आरोप है कि उन्हें मिली छूट के बावजूद टोल का सिक्योरिटी स्टाफ गुंडागर्दी कर रहा है और उनसे जबरन टोल वसूलता जा रहा है। कल रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने परिजनों का आंदोलन नहीं होने दिया। पुलिस ने आंदोलन में शामिल होने पहुंची महिलाओं और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस के परिजनों और पुलिस वालों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। रायपुर के कई नाकों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झूमा झपटी हुई। छत्तीसगढ़ के पुलिस वालों के परिजनों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। एमपी के सीहोर में नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सभी खनन खदानों पर पुलिस तैनात कर दी है। सीहोर के कलेक्टर ने एक दर्जन से अधिक खदानों पर पुलिस के जवानों को खड़ा कर दिया है, जिससे रेत माफिया में हड़कंप मच गया। गुजरात में दलितों के खिलाफ अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुजरात के मेहसाणा जिले में एक दलित युवक की दुबंगों ने फिर एक इसलिए बुरी तरह से पिटाई कर दी क्योंकि उसने अपनी मोटरसाइकिल पर मूछों वाली फोटो लगाई हुई थी। पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 15 दिन में गुजरात में मूछ के विवाद में दलित की पिटाई की दूसरी घटना है। राजस्थान के झालावाड़ में मामूली विवाद के बाद दो समुदाय के लोगों में जमकर चली तलवारें और लाठियां। पिकअप वैन खड़ी करने को लेकर हुए झगड़े ने सांप्रदायिक संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें दो युवक घायल हो गए। पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। यूपी के बरेली में एक महिला ने एक युवक पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पहले उसने शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और जब शादी की बात आई तो युवक ने खुद को मुस्लिम बताकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया। लखनऊ के पासपोर्ट विवाद मामले में तन्वी का झूठ सामने आया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तन्वी पर पासपोर्ट बनाने के लिए गलत पता बताने का आरोप। तन्वी सेठ का पासपोर्ट जब्त हो सकता है, विदेश मंत्रालय को फैसला करना है। 2019 के आम चुनाव से पहले राम मंदिर का राग फिर छिड़ गया है। कल अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन पर हुए विराट संत सम्मेलन में पहुंचे योगी सीएम ने बड़ा बयान दिया है। मंच से संतों ने राम मंदिर के निर्माण की जब बात कही तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर तो बनेगा लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा। एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दलितों के लिए आरक्षण की मांग उठाकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नया राजनीतिक दांव चला है। यूपी के कन्नौज में एक सभा के दौरान कल योगी ने कहा कि विपक्ष दलितों का भला चाहता है तो एएमयू और जामिया में उनके लिए आरक्षण का समर्थन क्यों नहीं करता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसे बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला कहा जा सकता है। कल पटना में नीतीश ने कहा कि देश में धर्म और जाति के नाम पर वोट हासिल करने का माहौल बनाया जा रहा है। नीतीश ने कहा उन्होंने जयप्रकाश नारायण और वीपी सिंह जैसे लोगों के साथ काम किया है, ये लोग इस तरह की राजनीति का हमेशा विरोध करते रहे हैं।
बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कल यूपी के वाराणसी में आम आदमी पार्टी की जन अधिकार रैली में शामिल हुए। शत्रुघ्न ने केजरीवाल को ईमानदार बताया। सिन्हा ने अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब एक वकील वित्त मंत्री, टीवी कलाकार एचआरडी मंत्री और तथा कथित चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं जीएसटी और नोटबंदी पर क्यों नहीं बोल सकता। आप भी सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा को। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं। अखिलेश के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव, बेटा अर्जुन और बेटियां अदिति और टीना लंदन में हैं। अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ पिछले ही हफ्ते लंदन गए हैं, जहां उनकी फोटो सोशल मीडिया में छाई हुई है। अखिलेश 4 जुलाई को देश वापस लौटेंगे। झारखंड के सीएम रघुवर दास रांची में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लोगों के साथ जमकर नाचे। रघुवर दास ने समारोह में शादी करने वाले 351 जोड़ों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। रघुवर दास ने कहा कि इस तरह का सामूहिक विवाह सभी जिलों में करने की जरूरत है। सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री रघुवर दास के झारखंडी नृत्य की जमकर चर्चा हो रही है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर नोटबंदी के दौरान घोटाले का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और शाह के खिलाफ नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। आरोप है कि नोटबंदी के दौरान अमित शाह अहमदाबाद के जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर हैं। वहां नोटबंदी के दौरान 5 दिन के अंदर 745 करोड़ रुपए जमा हुए। हालांकि कोऑपरेटिव बैंक का कामकाज देखने वाली संस्था नाबार्ड ने इसमें किसी गड़बड़ी की आशंका को खारिज किया है। यूपी के गाजियाबाद जिले के लोनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोली मारने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स का नाम सलमान है। इसने एक दूसरे शख्स की फेसबुक आईडी को हैक करके पाकिस्तान जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी को गोली मारने की बात लिख दी थी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में मारे गए कुल आतंकी शकूर अहमद के जनाजे में फिर शामिल हुए हजारों युवक। शकूर अहमद डार कुलगांव के कैमो गांव में हुए इनकाउंटर में मारा गया था। जनाजे में फिर 2-3 कुख्यात आतंकियों के दिखने की खबर है। आपको बता दें कि सेना जल्द ही वो नीति लागू करने वाली है जिसके तहत मारे गए आतंकियों के शव उनके घर वालों को नहीं सौंपे जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला हंदवाड़ा हाईवे पर प्रदर्शन के दौरान 11वीं कक्षा का एक छात्र बुरी तरह घायल हुआ है। उबैद मंजूर नाम के छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारामूला हंदवाड़ा हाईवे पर ये छात्र सीआरपीएफ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों में शामिल था। यूपी के मुजफ्फरनगर में कल कबाड़ की दुकान में हुए विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि उनमें कबाड़ की दुकान के मालिक समेत 3 लोगों के चिथड़े उड़ गए। 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। मेरठ के एटीएस की टीम मौके पर पहुंची और पता लगा रही है कि किस तरह ये विस्फोटक था। इलाहाबाद में एक और वकील की हत्या हुई। दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने बच्चन लाल सोनी नाम के वकील को गोली मारी। 1.5 महीने में इलाहाबाद में वकील की हत्या की ये तीसरी वारदात है। कल दिन भर हुई बारिश से मुसीबत के बाद आज मुंबई में थोड़ी राहत दिख रही है। कल शाम से मुंबई में तेज बारिश नहीं हुई है। जल जमाव की स्थिति ठीक हुई है। जगह जगह भरा हुआ पानी निकल गया है। मुंबई में लोकल ट्रेनें वक्त पर चल रही हैं। कल दिन भर बारिश से मुंबई वालों का जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। कल दिन भर की बारिश से बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के इंतजामों की पोल खुल गई, लेकिन मेयर विश्वनाथ महादेश्वर इसे मानने को तैयार नहीं है। मुंबई के मेयर ने कहा, इस साल पिछले सालों की तुलना में कहीं भी पानी नहीं भरा। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी मुंबई में बारिश होती रहेगी। हालांकि मॉनसून दक्षिण गुजरात में आज फिर मुसीबत पैदा कर सकता है। सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा और आसपास मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है। यूपी में अगले 2 दिन तेज बारिश और तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी में अगले 2-3 दिन में मॉनसून पहुंच जाएगा। तमिलनाडु के कोयंबटूर में किसानों ने करूर कोयंबटूर के 8 लेन प्रस्तावित हाईवे के खिलाफ कल मौन प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के इस परियोजना के लिए 2500 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित हाईवे में उनकी उपजाऊ जमीन आ रही है, यह हाईवे किसी दूसरी जगह से निकाला जाना चाहिए। ये खबर आपको डरा सकती है। ओडिशा के भद्रक जिले में एक घर से निकले हैं 17 जहरीले सांप। भद्रक जिले के कांतबनिया गांव में गौरांग जेना नाम के शख्स के घर में सांप होने की खबर दी थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने यहां से 17 कोबरा सांपों को निकाला। इस गांव में 23 जून से 140 कोबरा सांप निकाले जा चुके हैं। ये गाँव धामनगर जंगल के करीब है। यहाँ भारी तादाद में कोबरा सांप पाए जाते हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।